काशीपुर में स्कूली बच्चे इस समय खो खो में अपना दम दिखा रहे हैं। मास्टर इंटरनेशनल स्कूल में खो खो प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों के अंदर खेल भावना को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत जरूरी होता है कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल के प्रति भी अग्रसर किया जाए। उत्तराखंड की धामी सरकार इस तरह की खेल प्रतियोगिताओं करवाकर बच्चों के शारीरिक और बौद्धिक विकास को नए आयाम देने का प्रयास कर रही है, ताकि बच्चों में खेल भावना बनी रहे। काशीपुर के मास्टर इंटरनेशनल स्कूल में खो खो प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा है। इस 6 दिवसीय प्रतियोगिता के दौरान बच्चों ने अपने खेल का दम दिखाया और फाइनल में प्रवेश किया। इस मौके पर अंडर 14 बालक बालिकाओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। विद्यालय के प्रबंधक शिल्पी गर्ग एवं प्रधानाचार्य डॉक्टर गौरव गर्ग ने बताया कि इस खो खो प्रतियोगिता में सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों के बच्चे भाग ले रहे हैं। इन खेलों के माध्यम से बच्चों के अंदर खेल भावना बढ़ेगी और वे देश का नाम भी रोशन करेंगे। सर, ये 6 दिवसीय हमारा खेलकूद खो खो का प्रतियोगिता चल रही थी और अंडर 14 थी ये। फर्स्ट टाइम शहर में हुआ है कि अंडर 14 बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और सभी स्कूलों के लिए धन्यवाद जिन्होंने अपनी अपनी टीम्स को भेजा यहाँ और पार्टिसिपेशन करवाया बच्चों को। और आज हमारे यहाँ पर सेमीफाइनल्स थे और वहाँ हमें टीम्स मिल चुकी हैं। MIS और एवरग्रीन का था बॉयज़ का, वहाँ पर MIS ने विन किया है और MIS फाइनल के लिए सिलेक्ट हुई है। और ऐसे ही MIS गर्ल्स और MIS का गर्ल्स का भी रहा और उसमें भी MIS ने ही विन किया था। और अभी फाइनल्स हमारे 2 मिल चुकी है टीम्स और देखते हैं 25 को हमारा फाइनल होने वाला है, देखते हैं। पहुँची है उसको, हमारे स्कूल को हरा कर फाइनल पहुँची है, और मास्टर स्कूल जो है एवरग्रीन स्कूल को हरा कर फाइनल पहुँची है बॉयज़ में। और गर्ल्स में मास्टर स्कूल जो है उन्हें हराया है, ब्लूमिंग स्कॉलर्स को हराया है और वो फाइनल पहुँचा है। और रेलवे फाइनल पहुँचा है उसने रहा है एवरग्रीन स्कूल को। इस टूर्नामेंट के अंदर अंडर 14 खो खो टूर्नामेंट के अंदर 16 बॉयज़ की टीम थी और 8 गर्ल्स की टीम थी। ये 6 दिन टूर्नामेंट खेलेंगे, टूर्नामेंट है मंडे को जो है फाइनल होने वाला है इसका। और फाइनल में चीफ गेस्ट देवेंद्र चौधरी जी रहेंगे यहाँ पर। और आज भी यहाँ पर जो गेस्ट है हमारे पास, हमारे स्कूल के फादर थे यहाँ पर और मान्यता प्राप्त दलित संघ के अध्यक्ष सत्यप्रकाश भटनागर जी थे और एवरग्रीन की प्रधानाचार्य अनिता जी यहाँ पर उपस्थित थी। और सभी बच्चे खेल को बहुत एंजॉय कर रहे हैं और खो खो के खेल को बढ़ावा देने के लिए, खासकर अंडर 14 को बढ़ावा देने के लिए मास्टर स्कूल ने पहल करी है। और ये स्कूल जो है पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के खेलकूद और कार्यक्रम में सब बराबर ध्यान देता है और बच्चों में लगातार प्रोत्साहन बनाए रखता है, उनके विकास के लिए पढ़ाई खेलकूद सब में काम करता है। अब ये स्कूल बहुत जल्दी 9th शुरू करने वाला है और इसकी सीनियर बेंच जो है वो कंस्ट्रक्शन में है, जो बहुत बासकड़े में स्टार्ट होने वाली है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।